So, hello Nikhil. So, first of all, वेलकम टू यू इन योर पीडिया। तो ओके आज हम सर, लोग इंटरेक्ट करेंगे। पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। तो निखिल कुमार है और गेट यस 2023 के बेसिस पे आईआईटी चेन्नई में इन्होंने एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन किया है और यस अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट। करेक्ट? सर, ओके। सो निखिल, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस था, ये कैसे स्टार्ट हो? पहले गेट का प्रिपरेशन कैसे हुआ? आपका स्कोर क्या है? रैंक क्या थी? एंड देन आफ्टर रिजल्ट आप किस प्रोसेस के थ्रू गए जो आप इस पोजीशन पे अभी पहुंचे हो? सर मेरा गेट स्कोर 433 था। मैं करंटली पास आउट हूँ बीटेक इन करंटली पास 2023। तो मैं सर करंटली मतलब फाइनल ईयर में ही बीटेक में मैंने गेट क्वालिफाई किया था। तो ओके, स्कोर कम वेरी गुड। था, स्कोर कम था। फिर योर पीडिया के यूट्यूब पे वीडियो देखा, से मालूम पड़ा कि मतलब इतने स्कोर पर मैं आईआईटी ले सकता हूँ। तो ओके। फिर मैं फिर योर पीडिया का सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर उन्होंने जब विजेंद्र सर ने गाइड किया, ठीक है, बोले जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे मैं फॉर्म अप्लाई करता गया। तो फिर उसके बाद मुझे एमएस से, यहाँ से अप्लाई किया था एमएस सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स कॉल आई थी, जिसमें मेरा ओके। सॉलिड में हो गया सिलेक्शन। तो आप एमएस प्रोग्राम ज्वाइन किए हो? करेक्ट, यस मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, यस एमएसआर। यस यस ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट को यहाँ होप नहीं हारनी चाहिए, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर आईआईटी में रहता है। करेक्ट है? यस सर। सर मुझे मोर देन 1 IIT मिला था। मुझे एमटेक के लिए 5 या 6 IIT एमटेक के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत फर्स्ट बढ़िया। रैंक पांच छह आया। आईटी से आपको एमटेक के लिए भी कॉल आया, तो ये बहुत बड़ी यस बात है सर। कि इससे स्कोर में अगर ये कॉल आते हैं तो ये काफी अच्छा था। मतलब क्योंकि यस सर जनरली ना। इतनी लो रैंक में, इतने कम स्कोर में आईटी से कॉल आना एक बहुत बड़ा टास्क था पहले। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर आपका स्कोर कम है तो भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको होप नहीं हारनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है बस। यस सर। करेक्ट, करेक्ट। तो एमएसआर प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया, तो आपको कैसे पता चला कि एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए एमएसआर? सर मैंने यूरपीडिया की वीडियो देखा था, क्योंकि मुझे पीएचडी करना था, डायरेक्ट पीएचडी। यूरपीडिया की वीडियो में देखा था डायरेक्ट पीएचडी भी होती है, वहीं से मुझे मालूम पड़ा ओके था। तो ओके, वेरी गुड। मैं जो फॉर्म अप्लाई किया था वो एमएस प्लस डायरेक्ट पीएचडी किया था, तो जिसमें डायरेक्ट पीएचडी मेरा नहीं हुआ पर एमएस में मेरा हो गया। तो फिर यहाँ आके मालूम पड़ा कि एमएस के फर्स्ट टाइम अगर तुम्हारी सीजीपीए 8+ होती है तो तुम्हारा एमएस से डायरेक्ट पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं एमएस ज्वाइन किया था। और यहाँ अगर प्लेसमेंट के हिसाब से भी ज्वाइन किया था, अगर इस टाइम में एमएस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा है, 100% प्लेसमेंट है एमएस का डिपार्टमेंट का यहाँ पे, ओके एमटेक के ओके। कंपेयर। तो मतलब आपको पहले से आइडिया था कि आपने बीटेक किया है, उसके बाद आपको पीएचडी ज्वाइन करना था, और यस आपको आप योर मीडिया के वीडियोस देखते रहते थे जिसके थ्रू आपको पता चला कि ये पॉसिबिलिटी है। यस इवन सर। गवर्नमेंट प्रमोट भी करेगा, आप पीएचडी कर सकते हो, आईआईटीज भी प्रमोट करते हैं। करेक्ट यस सर है? यस सर तो वहां से आपको आइडिया था कि कुछ ऐसा हो सकता यस सर। है आइडिया ना? मुझे योर पीडिया की वीडियो से ही मिला था सर। डायरेक्ट पीएचडी के बारे में मुझे नहीं पता था, अभी बहुत बंदों को नहीं पता है क्या होता है डायरेक्ट पीएचडी बीटेक के बाद। तो मैं वहीं से नॉलेज मिला था मुझे, फिर मैं अप्लाई किया, इसलिए मैं तो एमएस के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि एमएस प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है वहां पे? मतलब क्या क्या, जैसे एमटेक प्रोग्राम जनरली स्टूडेंट को पता रहता है कि एमटेक में जाएंगे, वहां पे चार पांच सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ेंगे, एक प्रोजेक्ट होगा उसको करेंगे और देन फाइनल प्लेसमेंट होगा और हमारा एमटेक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एमएस के सर बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों के दिमाग में रहता है कि एमएस करना मतलब आपको फॉरेन जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर। एमएस को शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसको, मिनी पीएचडी। जैसे पीएचडी में होता है एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है, और इसमें सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ जर्नल पेपर पब्लिश करना होता है। और कोर्स वर्क की बात करूं तो हमको पूरा मतलब पूरा एमएस में 45 क्रेडिट कंप्लीट करना होता है, जब 5 सब्जेक्ट मिनिमम कंप्लीट करना है। जबकि एमटेक में हर सेम में तुमको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है 2 साल तक, 20 सब्जेक्ट 62 पर या एमएस। 65 क्रेडिट के आसपास वहां रहता है एमटेक प्रोग्राम में। हाँ, पर यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 45 क्रेडिट। चाहे आप उसको फर्स्ट सेम में कंप्लीट कर लो, चाहे सेकंड सेम तक कंप्लीट कर लो, उस पर रिसर्च करना है।
देश आप रिसर्च है फिर आप ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितने दिन में रिसर्च कर लेते हैं। और मैं और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो एमएस में जो रिसर्च टॉपिक होता है जो कंपनी अपनी प्रोफाइल लेके आती है उसे मैच कर जाती है, मैक्सिमम यहाँ मैकेनिकल कंपनी आती है तो मैच कर जाती है, इसलिए यहाँ का एमएस का प्लेसमेंट 100% होता है। जैसे मेरे सीनियर के जितने के भी हुआ है सबका प्लेसमेंट हो गया है, जबकि ओके एमटेक में ऐसा ओके नहीं है, जबकि एमटेक में इतना 100% प्लेसमेंट नहीं है आईआईटी मद्रास का। ओके तो एमटेक प्रोग्राम एक्चुअली कोर्स इसमें 70% के अप्रोक्सीमेटली कोर्स वर्क होता है और 30% के आसपास वेटेज होता है वो आपके रिसर्च का होता है, तो कुछ 70-30 के रेशियो में होता है, जबकि यहाँ पे आपका सेवेंटी एमएस परसेंट के उल्टा है, 70% रिसर्च हाँ होगा। 70% रिसर्च या 30% कोर्स वर्क। अच्छा, यहाँ एक और दिमाग का क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट के कि ये ड्यूरेशन क्या रहता है एमएस प्रोग्राम नहीं का। सर, ठीक कई लोग कहते हैं थ्री है, इयर्स होता है, कई कहते हैं 2 इयर्स होते हैं, ये क्या है मतलब? नहीं सर, मिनिमम ड्यूरेशन है 1.5 ईयर और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको 2 साल में एमएस पूरी कंप्लीट कर लेते हो, अगर रिसर्च 2 साल में कंप्लीट कर लेते हो तो 2 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, 2.5 साल में करते हो 2.5 साल में, 3 साल में हो पाती है आपको 3 साल में मिलेगी। मिनिमम 1.5 साल तक मिनिमम ड्यूरेशन है 1.5 ईयर की। मतलब अगर आपने 1.5 ईयर में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया या देन यू विल गेट योर या डिग्री। या या तो एक आप सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट के आपको लिए, रिसर्च करना है, ठीक है। हाँ रिसर्च पर अच्छा, डिपेंड करता एक है आप जितनी जल्दी कर लेते हो। जी ये तो हो गया ड्यूरेशन के बारे में कि ड्यूरेशन क्या, 1.5 ईयर मिनिमम होता है, उसके ऊपर आप जितने जल्दी कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका यस रिसर्च किस तरीके से हो रहा है, ठीक। यस दूसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे आप IIT में MS प्रोग्राम ज्वाइन करते हो और इमिडिएटली जाओगे तो वहाँ पे कोर्स वर्क होगा और उस टाइम आपके पास कुछ खास गाइडेंस होती नहीं है, जस्ट आप एडमिशन लेते हो और नहीं आपको वहाँ पे कोर्स सर, रजिस्टर करने होते हैं विद इन अ वीक, आई थिंक, करेक्ट। यस सर, तो वहाँ आपको वो विद इन अ वीक जो आप पास करते हो उस टाइम आपको कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज रजिस्टर करने हैं, क्या मुझे सारे कोर्सेज एक साथ रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सारे जो डाउट्स रहते हैं वो कैसे क्लियर होते हैं? नहीं सर, जैसे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं पहले तो एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, फिर उसके बाद एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें गाइड के नेम दिए जाते हैं। तो आप उनकी लैब में जाके सबकी लैब विजिट करना होता है, और आपको जिस टॉपिक में रिसर्च का अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उस गाइड के पास जाके उसको अप्रूव करना है। फिर गाइड आपको बताएगा कि फर्स्ट सेम में आपको कितना कोर्स करना है, कौन कौन सा कोर्स करना है, सब हिंट वो करते हैं, ओके जैसे ओके जैसे मतलब बताते हैं रिसर्च वैसा करना ओरिएंटेड है। कोर्सेज भी होंगे कि पहले गाइड हाँ सेलेक्ट होगा, टॉपिक सेलेक्ट होगा, देन आप हाँ डिसाइड करोगे आपको कोर्स कौन से करने हैं, तो हाँ उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है और हाँ प्रोफेसर प्रॉपर गाइड करते हैं। तो ये एक अच्छा एक पार्ट है, मतलब ये काफी अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है जिससे आप अपने प्रोग्राम को एक बेहतर तरीके से रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिर आपने सारे कोर्स कर लिए कंप्लीट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में? नहीं सर, नहीं फर्स्ट सेम में मैंने 3 3 सब्जेक्ट लिया था, इस बार 2 सब्जेक्ट ले आओ, इस बार पूरा हो कौन जाए कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े हो? सर। फर्स्ट सेम में एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स, लीनियर डायनेमिक सिस्टम और मटेरियल मैकेनिक्स एंड डिजाइन, 3 सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर कंप्लीट कौन कौन से किए वहां पे? अबेकस सर। सॉफ्टवेयर अभी अबेकस हो गया, मैटलैब अभी कंप्लीट दो हो ही गया हुआ। हाँ सर, और मैटलैब में, तो वहां पे आपको थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स भी करने हुए होंगे विद इन अ हाँ सिक्स सब्जेक्ट में ईयर यस है ना, तो यस सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज उसमें कुछ छोटे प्रोजेक्ट। छोटे प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर कराए हाँ होंगे, हाँ यस तो सर वहां से आपकी प्रैक्टिस हुई उन सॉफ्टवेयर्स की प्रॉपरली? यस हाँ सर, हो जाती है वो, जैसे असाइनमेंट होता है तो असाइनमेंट जितने भी यहाँ देते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस पे देते हैं, आपको सॉफ्टवेयर पे ही जैसे मैटलैब पे करना है या पाइथन पे या बैकस पे, इसी पे असाइनमेंट दिए जाते हैं तो हर ये सब्जेक्ट सीखा का। कैसे आपने वहां पे, आपको पहले से आता था या वहीं जाके नहीं सीख नहीं लर्न सर, किया? नहीं सर, पहले तो नॉर्मल कॉलेज से इतना नहीं आता सर, खुद ही सीखना होता है, बस आपको एक हिंट दे दी जाती है, यूट्यूब से सीखो, कोई प्रॉब्लम आए पूछो, ऐसे सर करना, खुद ही सीखना है सर। पर ये तो लोग हिंट आपको देते हैं सीखना कि है कहीं, लेकिन आपको टास्क हाँ कंप्लीट करके देना है एनी हाउ, यस तो उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। हाँ सीखना पड़ेगा तो बाय डिफॉल्ट आप फोर्सफुली आपको सीखना ही है और फिर कहीं ना कहीं फिर यार। इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है, फिर आप उसको पे वर्कआउट करने हाँ स्टार्ट कर देते हो, करेक्ट। यस सर तो ये हो गया आपका एमएस प्रोग्राम ज्वाइन किया। एक क्वेश्चन छोटा सा रह गया था कि यस जब सर आपने अप्लाई किया था एमएस प्रोग्राम के लिए तो आपका इंटरव्यू हुआ था या रिटर्न एग्जाम हुआ था फिर से? सर, मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू था। ऑनलाइन इंटरव्यू था तो आपको आईआईटी जाना भी नहीं पड़ा? नहीं सर, नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 डिपार्टमेंट फिल किया था, मैकेनिकल किया था
मटेरियल साइंस और अप्लाइड मैकेनिक्स, जबकि मटेरियल साइंस का ऑफलाइन था तो दूर की वजह से मैं आया नहीं, और इसका सॉलिड और फ्लूड का ऑनलाइन था इसलिए मैं इन दोनों को दिया। तो ये भी एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर एक ही टाइम पे मेरे फिर कई सारे और इंस्टीट्यूट में मेरे कॉल रहते हैं, कहाँ कहाँ जाऊँ मैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप आईआईटी मद्रास में अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो और स्पेशली फ्लूड मैकेनिक्स और इसके लिए आप सॉलिड मैकेनिक्स के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो सकता है, तो आपका कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा और आप मैनेज भी कर पाओगे प्रॉपरली। ठीक है, तो इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई थी? सर इंटरव्यू बेसिक पूछते हैं, ज्यादा अच्छा भी नहीं गया था पर एवरेज गया था तो क्या क्या मतलब कुछ इंटरव्यू, आइडिया दो। मतलब सॉलिड मैकेनिक्स बेसिक पे पूरा था सर इंटरव्यू, लाइक जैसे ट्रस्ट पे क्वेश्चन दे दिया, और हो 3D हुक्स लॉ हो गया, और बेसिक क्वेश्चन मैथ पे, मैथ्स हर इंटरव्यू में, हाँ मैथ पे क्वेश्चन आएगा, साइन का कर्व बताइए, कॉस कर्व कि इसका स्लोप बताइए, मैथ का, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के है ना, हाँ कि आपको बेसिक, कर्व्स पता हो, स्लोप के बारे में थोड़ा आइडिया हो, हाँ डिफरेंशिएशन यस वगैरह सर, पता हो कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और बेसिक आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ जा रहे हो तो वो सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलो बढ़िया है। तो आपने प्लेसमेंट किया, चलो तो ये हो गया आपका कंप्लीट जर्नी, एमटेक में अप्लाई किया आपने, फिर वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, फिर आप सिलेक्ट हुए, वहाँ पे ज्वाइन किया, कोर्स वर्क आपको पता चला, वहाँ पे प्रोफेसर ने प्रॉपर गाइड किया, उसको ऑप्ट किया, कोर्स वर्क किया, और आप नाउ सेकेंड सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हो, और आपने इस सेमेस्टर में भी दो कोर्स लिए हैं, करेक्ट? तो ये आपकी कंप्लीट जर्नी रही। और आपने कहा कि प्लेसमेंट जो है वो काफी अच्छा है, एमएस प्रोग्राम का 100% प्लेसमेंट है, और एट द एंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज अगर मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एमएस प्रोग्राम का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 100% हो रहा है, और साथ में लो रैंक में एडमिशन भी मिल रहा है, यस सर, मेन तो चीज सर ये एमटेक डबल बोनस हो बहुत, गया यस सर, यस सर है ना। सर बहुत, तो इस हाँ बहुत तो ओवरऑल इस जर्नी में यूरोपीडिया का क्या रोल था, यूरोपीडिया ने कैसे हेल्प करी? सर यूट्यूबिया एक तरफ से जैसे गाइड करना, मतलब गेट के बाद, क्योंकि वैसे अगर यूट्यूब पे वीडियो देखे किसी कोचिंग की तो बोलते हैं कि 700 के ऊपर अगर गेट स्कोर हुआ तो आपको आईआईटी मिलेगा, वरना आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। तो यूट्यूबिया में वीडियो देखा था तो वहां से एक गाइडेंस मिला कि हम इतने इतने कम लो गेट स्कोर पे हम आईआईटी जा सकते हैं, तो वो जैसे है हेल्प, जैसे जैसे वो इंडिकेट किए वैसे वैसे मैं फॉर्म अप्लाई करता गया है, आईएमएस का अप्लाई किया था, वो अब फिर मुझे आईआईटी ऐसे मिल गया फिर। चलो ठीक है निखिल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होके, और काफी इन्फॉर्मेशन मिली, और इवन स्टूडेंट भी इससे काफी चीजें सीखेंगे। चलिए आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सर।